हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको कोहड़ा, जो आप कद्दू खाते हो, पर ये देखिए हमारे पास कोहड़े हैं। इस कोहड़े को आपको सब्जी किस तरह से बनाना है, आप तो सब्जी बनाते हो कोई मसाला डालकर, पर मैं इसको बिना मसाला का ही सब्जी घर पे ऑलरेडी तैयार करती हूँ। तो ये हमारे कोहड़े हैं, ये देखिए मैंने इस कोहड़े को हर टुकड़े में काट लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस भी कर लेती हूँ। पूरे कोहड़े को इस तरह से आपको काट लेना है। इस तरह से मैंने इसको छिलके भी नहीं उतारी हूँ, क्योंकि छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं। कोहड़े खाने में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन ये कई बीमारियों में नुकसानदेह भी हैं। ये कई बीमारियों में नुकसान पहुँचाने वाला फल है। इसको सब्जी बनाकर आप खाते हो तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने से। तो इस कोहड़े का सब्जी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। हम लोग तो नमक वाला बनाकर खाते हैं, पर आज मैं आपको इस कोहड़े का सब्जी गुड़ डालकर बनाती हूँ, क्योंकि गुड़ डालकर बनाकर खाने से बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्ट आते हैं। तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ कि आप कोहड़े को सब्जी किस तरह से बनाओगे घर पे। चलिए फिर मैं आपको काट कर मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारे कढ़ाई है, मैंने आपको सब्जी बताने के बारे में बता रही थी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये मैंने तेल डाली है, ये बहुत ही कम तेलों में सब्जी बनती है और कम तेल मसाले में सब्जी मैंने बनाती है, क्योंकि तेल मसाला पेट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसमें मैंने इस तरह से 5 फोरन, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं 5 फोरन, तो मैंने इसको डाल दी है। ये देखिए इनको ब्राउन होने तक ये जला देते हैं। मैंने इसको जब जल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इसको किस तरह से आपको छौंकना है। तो ये देखिए हमारे ये जले हुए 5 फोरन में मैंने एक मिर्ची डाली है। मिर्च क्योंकि थोड़ा सा खट्टा तीता ठीक लगता है सब्जी खाने से, तो मैंने इस तरह से बनाई है। देखिए अब इसको मैं इसमें मैंने बिना लहसुन प्याज बगैर ये सब्जी मैंने कोहड़े को तैयार करती है, इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। तो ये हमारे देखिए मैंने इस कोहड़े को मैंने अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर ली है और बहुत सारे टुकड़े में मैंने अलग अलग हिस्सों में काट ली है। इस तरह से आप इसको देखिए, देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से आप देखो, और इसको मैंने दिखा रही हूँ आपको कोहड़े का सब्जी छौंक लगा कर। तो इसको मैंने छौंक लगा दी है, आप देखिए इसको मैंने छौंक दिया है, और ये इस तरह से मैंने इसको चला देती हूँ। और इसमें आपको क्या डालना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने तो इस कोहड़े को छौंका लगा दी है, और इसमें मैं ये आवश्यकता अनुसार, मतलब कि ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये मीठा सब्जी है, तो ये हल्के नमक डालना है इसको गलने तक। ये गल कर पूरे ऑलरेडी तैयार हो जाएगी, ये तो भुनाता नहीं है, ये बिल्कुल इसी में गलकर बराबर हो जाती है। और ये मैं कम से कम 1 किलो कोहड़े में 250 ग्राम गुड़ डालना है आपको। तो इस तरह से मैंने गुड़ डाल दी है, आप गुड़ वाला, ये देखिए गुड़ का सब्जी जो आप कभी खाए नहीं हो, तो ये मैंने गुड़ इसमें डाल दी है। आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से गुड़ वाला सब्जी आप घर पे बस बनाएं, और इसका खाने में बहुत ही स्वाद आती है। और ये अब मैं आपको ढक देती हूँ, ये सब्जी बनकर ऑलरेडी तैयार हो जाएगी 10 से 15 मिनट में, तुरंत गल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार हो जाते हैं कोहड़े का। तो कोहड़े का सब्जी आप घर पे अवश्य करो बनाएं, और ये गुड़ वाला सब्जी बनाएं, आप बनाकर मेरे वीडियो को टेस्ट देखें, और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और मैं इसको गलने तक ढक देती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाय बाय।